तो जैसे कि आप मेरे हाथ में SBI का नया ग्लोबल NCMC रुपए डेबिट कार्ड देख रहे होंगे, जो अभी हमने हाल ही में इसको मंगाया है। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि इस नए ATM कार्ड का पिन जनरेशन कैसे करते हैं SBI नेट बैंकिंग माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर पर आ जाएंगे और सर्च टैब में सर्च करेंगे ऑनलाइन SBI। फिर उसके बाद आप दूसरे वाले पेज पर पहुंच जाएंगे, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लिंक, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद आप ऑनलाइन SBI के लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे, तो आपको लॉगिन वाले टैब में क्लिक करना है। फिर उसके बाद आप दूसरे पेज पे पहुंचेंगे, तो आपको कंटिन्यू टू लॉगिन में क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड और कैप्चा डाल के अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम अपने नेट बैंकिंग पेज में सफलतापूर्वक लॉगिन हो चुके हैं। तो अब आपको यहाँ पे काले बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा ई सर्विसेज वाला विकल्प, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आप ई सर्विसेज वाले पेज पे आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पे लाल बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा ATM कार्ड सर्विसेज, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपके सामने दूसरा पेज आएगा, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ATM पिन जनरेशन, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आप यहाँ दूसरे वाले पेज पे पहुंच जाएंगे, तो आपके यहाँ वैलिडेशन के लिए आपको दो विकल्प दिखाई दे रहे हैं, वन टाइम पासवर्ड और प्रोफाइल पासवर्ड। तो हम यहाँ पे OTP का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक 8 अंकों का हाई सिक्योरिटी पासवर्ड आएगा, तो आपको यहाँ पे एंटर करना है और सबमिट वाले बटन में क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे दूसरे पेज पे पहुंच जाएंगे, तो आपको अपना यहाँ पे खाता चुनना है। तो जो ATM कार्ड जिस भी यहाँ पे खाते से लिंक होगा, तो हम वो वाला खाता चुनेंगे। तो हमारा ATM कार्ड यहाँ पे सेविंग अकाउंट से लिंक है, तो हम यहाँ पे सेविंग अकाउंट वाला विकल्प चुनेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे दूसरे वाले पेज पे पहुंच जाएंगे, तो आपको अपना कार्ड नंबर चुनना है और फिर सबमिट वाले बटन में क्लिक कर देना है। सबमिट के बटन में क्लिक करने के बाद आप दूसरे वाले पेज पे पहुंच जाएंगे, तो आपको यहाँ पे अपनी दो संख्या यहाँ पे अंकित करनी है अपनी इच्छा से। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंटर फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ डिजायर्ड पिन, तो आप अपनी इच्छा से यहाँ पे दो संख्या यहाँ पे अंकित करेंगे और सबमिट वाले बटन में क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद आपके फ़ोन में एक SMS आएगा बैंक की तरफ से, जहाँ पे दो संख्या बैंक अपनी तरफ से यहाँ भेजेगा। जैसे आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है लास्ट 2 डिजिट फॉर योर ATM पिन चेंज रिक्वेस्ट इज 10, तो हम यहाँ पे पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एंटर 4 डिजिट ऑफ न्यू पिन, तो मतलब जो हमने यहाँ पे पहले अपनी इच्छा से यहाँ पे दो संख्या डाली थी और जो बाद में हमारी दो संख्या बैंक की तरफ से SMS के माध्यम से आई है, तो हम यहाँ पे पूरी 4 संख्या यहाँ पे डालेंगे और सबमिट के बटन में क्लिक कर देंगे। सबमिट के बटन में क्लिक करने के बाद बैंक की तरफ से आपको मैसेज यहाँ प्राप्त होगा कि आपका जो डेबिट कार्ड पिन है यहाँ सक्सेसफुली यहाँ पे चेंज कर दिया गया है SBI नेट बैंकिंग के माध्यम से। तो जैसे कि हमारे जो SBI का नया ATM पिन है यहाँ पे सफलतापूर्वक सेट हो चुका है, तो आप भी इसी तरह अपने नए ATM कार्ड का यहाँ पे पिन यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।